हेलो, हेलो। बोल रहे हैं? हाँ इमरान साहब बोल रहे हैं? जी, मैं बोल रहा हूँ। आप कौन? इमरान साहब, मैं लखनऊ से राहिल खान बोल रहा कौन? राहुल हूँ। राहिल खान खान लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी, बताइए इमरान साहब, बखैर हैं आप? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, मसला ये है कि हाँ आपका नंबर हमें किसी ने दिया था, जी, और उन्होंने ये कहा था कि दीन के किसी मसले में कोई इश्काल हो या सवाल हो तो आपसे कर सकता हूं मैं। मैं किसने किसने कहा आपसे कि उनके मसले में मत से कोई सवाल कर सकते हैं? कोई साहब हैं, उनका नाम है मुर्तजा, तो आप अहले हदीस हैं? जी अहले हदीस हूँ, मगर मैं कोई मुफ्ती या कोई बड़ा अल्लामा तो हूँ नहीं जो मैं आपको कुछ बता सकूँ। नहीं, मैं कोई बाकी बाकी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अल्लाह ने थोड़ा बहुत तो इल्म दिया है, क्या जी, पता आप मुझसे ज्यादा इल्म वाले हों, ऐसा कुछ बेशक बेशक, यही बात है इमरान सेल्फी। इमरान साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? है। मैं वैसे तो दिल्ली का हूँ, जयपुर में रहता हूँ। अच्छा, जयपुर में रहते हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, दिल्ली में रह रहे हैं, जयपुर के रहने वाले हैं? नहीं, दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा, दिल्ली के रहने वाले हैं। मैं भी लखनऊ में रहता हूँ, और बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ मैं। जी, और मसला ये है कि कभी मदरसे तो हुजूर मैं गया नहीं, तो अच्छा। यूट्यूब को जरिया बनाया सीखने का, तो यूट्यूब पे हाँ तकरीरें सुना करता हूँ बहुत से लोगों की। सुनी जी तारिक जमील, तारिक मसूद और जी जलालुद्दीन, तो हाँ तमाम लोग ही सुनता हूँ। तो मैं जी यही अर्ज करना चाह रहा था कि ये बिदत क्या होता है? जी बिदत जी बिदत वही जो दीन में खुद से निकाली जाए। जी दीन में खुद से निकाली जाए वो बिदत। दीन में कुछ नया नया, काम निकाला जाए, ये मैंने सुना है तकरीरों में कि दीन में कोई नया काम ईजाद हाँ करना सवाब की नियत से, ये बिदत है, हाँ जो काम बिल्कुल रसूलुल्लाह से या अल्लाह तबारक तआला से साबित ना हो, यही है ना? जी। तो अगर कोई जैसे ये काम करता है, कोई बिदती है, तो मैंने इसके ताल्लुक से भी एक तकरीर सुना, तकरीर में सुना था कि ऐसा करने वाला, बिदत करने वाला जहन्नमी है। बिदत करने वाले जहन्नुम में कैसे होते हैं? आपने हदीस कहा शरीफ, सुना? हदीस शरीफ है, मतलब किस कौन सी हदीस शरीफ है, कुल्लु कौन सी बिदतिन किताब? जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार। जी, हर बिदत गुमराही है और गुमराही वो जहन्नम में लेके जहन्नम जाता है। में ले आती है, सही बात तो हो गया ना, जहन्नम जाने में। बिल्कुल। तो मैं ये अर्ज कर रहा था इमरान साहब, वैसे तो आप करते क्या हैं ये पहले बता दें। मैं भी यूट्यूबर हूँ, एक यूट्यूब पे काम करता हूँ। अच्छा, यूट्यूबर है आप, माशाल्लाह। अच्छा, जी, किस नाम से आपका चैनल है? मैं भी सब्सक्राइब कर लूंगा। सॉरी, मेरा ये 7 टुडे इंडिया, 7 टुडे इंडिया। 7 टुडे इंडिया, जी 7, यानी SEVEN7। हाँ, पहले 7 है, हाँ उसके हाँ बाद टुडे, फिर इंडिया। अच्छा, तो किस तरह की वीडियोस आप अपलोड करते हैं? मैं अभी तो वो जो अभी चल रहा है ना, ये भगवा लव ट्रैप, हाँ, तो मैं इसके मुतालिक वीडियो डाल रहा हूँ। असल में मैं अपने चैनल पे कोई वैसी वीडियो नहीं डालता है जो मतलब जैसे उलमाओं के खिलाफ वगैरह या कुछ ऐसी वीडियो नहीं डालता मैं। पहले जी, कभी डाली थी, मगर उसके बाद फिर मैं छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये उलमों का ही काम है, उलमा ही जाने, हमें क्या लेना, ठीक वैसे इमरान है ना? साहब, वैसे इमरान साहब, हाँ मैंने अपने नबी की एक हदीस शरीफ सुनी है, जिसमें जी। नबी करीम ये फरमाते हैं कि सहाबा से फरमाते हैं कि बनी इसराइल 72 फिरके में बटी, मेरी उम्मत 73 फिरके में बट जाएगी, 72 जहन्नमी होंगे और एक जन्नती होगा। जी मैंने तो सुनी। सुना है ना आपने? तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जैसे ये हुजूर का फरमान है, हुजूर का पैगाम है, हुजूर की बात है, हुजूर का जी कौल है, और हदीस शरीफ है ये, तो हाँ इसके ताल्लुक से अगर हम लोगों को ये बताएं, अवेयर करें, आगाह करें। आप पढ़े लिखे तो हैं ना माशाल्लाह से? ग्रेट। जी तो मैं अगर ये कहना चाह रहा था, अगर आजकल के माशरे में हम देखें तो हम लोगों को ये बताएं कि भाई देखिए, हर कलमा गो जो है वो जन्नती नहीं हो सकता, क्योंकि हुजूर ने जी 72 अ परफेक्ट फिगर के बारे में बताया है कि ये जी जहन्नमी होंगे और एक फिरका जी जन्नती होगा, इल्ला मिल्लता वाहिदा।
तो मैं यस कर रहा था कि जैसे आप हैं तो आपने काम उलमा ने उलमा पैरो उलमा को करना चाहिए, तो हम लोग को भी ये काम करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को, लोगों की इसलाह होगी जी बिल्कुल हाँ है ना। मगर जी कुछ बातें ऐसी हैं कि जो उलमा की समझ में आती है हम लोगों की समझ में नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, बहुत सारी ऐसी है ना जी जी ये तो आप भी मानते होंगे जी बिल्कुल। तो मैं ये कर रहा था जी जी फरमाए आप फरमाए नहीं आप बताइए आप फरमाए। देखिए मैं कोई चीख चिल्ला के बात करने का वो नहीं हूँ, हैबिचुअल नहीं हूँ, आप बोलें ऐसी बात करूँ बेफिक्र हैं आप बिल्कुल आपकी बात को काटूंगा मैं आपकी बात को सुनूंगा। बहुत खुशी होती जब इस तरह से कोई बात करने वाला मिलता है, मैं आपकी सुनूं आप मेरी सुनिए, दीन ऐसी समझ में आता भी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो शोर शराबा चिल्लाना तू तू मैं वो तो डीडी वन पे आया करता था सीरियल तू तू मैं तो उससे एंटरटेनमेंट ही होता है, हासिल कुछ नहीं होता। तो मैं ये अर्ज कर रहा था जैसे भी बिदत के ताल्लुक से हम लोगों की बात चल रही है, तो बिदत को इंग्लिश में इनोवेशन कहते हैं जी। तो मैंने ये सुना है कि इनोवेशन आर ऑफ टू टाइप्स, बिदत दो तरह की होती है, एक होती है बिदत हसना और एक होती है बिदत सहिया। अच्छा आप लोग के वहाँ है ऐसा कुछ? नहीं हमारे यहाँ तो यही बताया गया कि बिदत बिदत ही होती है। अच्छा अच्छा कोई अच्छी बुरी कुछ नहीं होती। हाँ इसमें अच्छी बुरी कुछ नहीं, बिदत तो बिदत ही है, बिदत तो बिदत, इसमें कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया कि अच्छी बिदत ये होती है और बुरी बिदत वो होती है। असल में उसमें ये होता है कि अच्छा काम यानी उसको बता अच्छा काम दीन में कोई अच्छा काम जो करेगा जी, मगर हमें जो बताया गया वो यही बताया गया कि दीन के अंदर जो बिदत होती है वो एक ही होती है बिदत, बस अच्छी बिदत नहीं होती, या तो वो अच्छी होगी बिदत नहीं होगी अच्छा, वो खाली बिदत होगी, बस ये बताया गया। अच्छा अच्छा अब आप बताइए कि आपके आपके जहन में क्या है। अच्छा मैंने जो बिदत के ताल्लुक से पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जैसे कि शेखुल इस्लाम अल हाफिज अल इमाम अल नवावी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम नवावी से आप वाकिफ होंगे जी, वो कुल्लू बिदतिन दलाला की तशरीह फरमाते हुए आप ये कहते हैं कि मन सन्ना फी इस्लामी सुन्नतन हसनतन, मतलब ये है कि जिस शख्स ने मुसलमानों में किसी अच्छे तरीके की इब्तिदा की और उसके बाद उस तरीके पर अमल किया उसको अजर मिलेगा और अमल करने वालों को अजर में कमी नहीं होगी। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान कुल्लु बिदतिन ज़लाला के ताल्लुक से यह है कि हर बिदत गुमराही है, उसकी तख़सीस होती है, यानी कि उससे मुराद बातिल और बुरी बिदत मुराद है, उसमें जो अच्छा अमल है वो मुराद नहीं है। और आगे इमाम नवावी फरमाते हैं कि बिदत की पांच किस्में हैं, वाजिबतिन मुहर्रमतिन मंदूबतिन मकरूहतिन और मुबाहतिन, यानी कि पहली ऑब्लिगेटरी, अनदर वन इज फॉरबिडन, थर्ड वन इज रिकमेंडेड एंड फोर्थ वन इज लाइक एंड फिफ्थ वन इज परमिसिबल। ये शरा सही मुस्लिम सफा 104 105 पे दर्ज है जी। तो मैंने तो जितने भी अब तक ये पढ़ा है जो मुहद्दिसी के अकवाल हैं तो उसमें यही आता है कि बिदत की तो होती हैं अकसाम किस्म होती हैं। अच्छा और मैंने अहले हदीसों से कहते सुना है कि बिदत की कोई अकसाम नहीं होती। हाँ मैंने भी ये सुना, आपने सही सुना बिल्कुल, मैंने भी ये सुना, मैं इसको मना नहीं कर रहा। अब अगर मैं जो मैंने सुना वही मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई मैं तो नहीं कह रहा कि भाई मैंने तो नहीं सुना तो मैं नहीं मानता, आपने सुना होगा आपने पढ़ा होगा मैं ये इनकार नहीं करूँगा जी जी। अच्छा सेकेंड चीज ये आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या खुद को या जन्नती जमात को अहले हदीस कहने का हुक्म दिया है कहीं? नहीं नहीं किसी को भी नहीं कहा है, बस खाली मुस्लिम तो कहा है ना। हाँ मुस्लिम तो कहा है मगर अल्लाह ने भी कहा है वो तो मुस्लिम, मगर मुस्लिम नाम से मैं ये सोचता हूँ कि मुस्लिम क्यों नहीं कहते फिर अपने आप को सब लोग, मुस्लिम कहने से परहेज करते हैं, परहेज करते नहीं करते आप भी जानते होंगे कि मैं ये समझता हूँ कि हम पहले नंबर पे मुसलमान है ना। अब मैंने भी अपने उलमाओं से पूछा कि वही मुस्लिम क्यों नहीं कहते अपने आप को, जब अल्लाह ताला आपको मुस्लिम कह रहा है तो क्यों नहीं कहते, कहने लगे कि फिर हमें पहचान कैसे होगी 73 फिरकों में,
तो मैं इनके 73 फिरकों की पहचान तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी है पहले, है ना। जी आपको भी पता होगा कि जो सुन्नत को फॉलो करेगा और अल्लाह की किताब को माना ही ही। बस जी वही होगा भी असल में। अब हम ये चीज देखने के वही कौन सुन्नत पर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर हम खुद पहचानना चाहेंगे कि भाई असल तो मुसलमान वही है जो सुन्नत को फॉलो कर रहा है ना। इमरान साहब, मामला बात जो है वो फिर वहीं घूम के आ जाती है कि जैसा कि अभी आपने पहले बताया कि बिदत की कोई इकसाम नहीं होती, और जो काम रसूलुल्लाह से या अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से साबित ना हो, अगर वो कोई नया काम दीन में राइज करे, ईजाद करे, तो वो बिदत है। और आपके बकौल बिदत की कोई इकसाम नहीं होती, और बिदत सिर्फ बुरी ही होती है और वो जहन्नम ले जाती है। तो अब जैसे कि आप लोगों ने अपना नाम अहले हदीस या अहलुल हदीस या सलफी रख लिया है, तो मेरे प्यारे ये भी तो बिदत ही हो गई फिर। हाँ तो इससे तो खैर कोई नामों से तो खैर देखो कोई कोई भी मुसलमान नहीं बचा हुआ। मैं आपको एक बात बता दूँ, दुनिया में जितने मुसलमान है ना जी, सब वो फिरकों में बटे हुए और सबने अपने अपने नाम रख रखे हैं सिवाय मुस्लिम को छोड़कर। जी अब कोई ऐसा फिरका दिखाओ जिसका नाम मुस्लिम है। देखिए एक नाज शरीफ है, मैं आपको सुनाता हूँ। सुन्नी मुसलमान मैं हूँ सुन्नी मुसलमान, बारह रबरेली मेरे ईमान की पहचान। सुन्नी मुसलमान मैं हूँ सुन्नी मुसलमान। अब हम तो अपने आप को सुन्नी मुसलमान भी कहते हैं, लेकिन हमारे जो बिदत की डेफिनेशन है वो आपकी डेफिनेशन से अलग है, आपकी तारीफ से अलग है। हमारे यहाँ बिदत की इकसाम है, बिदत हसना है, बिदत सहिया है। तो हम तो अपने आप को मुसलमान भी कह सकते हैं, सुन्नी भी कह सकते हैं, अहलु सुन्ना व जमात भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके वहाँ बिदत की कोई इकसाम नहीं है, सब कैटेगराइज नहीं करी गई बिदत, आपके वहाँ बिदत सिर्फ एक टाइप की है और वो है बुरी, और वो जहन्नम ले जाती है, और बिदत कहते उसको है दीन में कोई नया काम राइज करना। तो अब सवाल फिर वहीं घूम के आ जाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ गई हो, कितनी भी बड़ी पहचान अपनी बतानी पड़े, हम बिदत करके नहीं बताएंगे क्योंकि वो हमें जहन्नम ले जाएगी। तो फिर अहले हदीस क्यों आप लोगों ने अपना नाम रखना पसंद फरमाया? ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त की है कि जब हमारे अंदर ये चीज है ही नहीं जी, जब हम बिदत को और किसी मानते ही नहीं बिदत की, तो जाहिर सी बात है दीन में तो भाई बिदत ही हो गया ना, फिर अहले हदीस भी नाम रखना। हाँ बिदत हो गया ये। ये तो अब जितने भी अहले हदीस हैं, जैसे मान लीजिए जैसे एक कानून हम बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, भाई कानून हम बना तो सकते नहीं है लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। अब जैसे हमारे घर का ही कानून है, फर्ज करिए हमारे घर का एक कानून है कि हम जो है वो सुबह उठेंगे और सबसे पहले हम फजर अदा करेंगे, और फजर अदा करने के बाद फिर हम अपना चाय नाश्ता करेंगे। अब हमने ये हम घर के बड़े हैं, हमने कानून बना दिया, लेकिन अगर हम ही इस कानून पे अमल नहीं कर रहे हैं, और हमने सजा भी इस पे मुकर्रर कर दी कि जिसने ये चीज नहीं करी सुबह उठते के साथ, उसको 6 दिन तक खाना नहीं मिलेगा और 4 दिन पानी नहीं मिलेगा, तो अब इस सजा के मुस्तहिक तो हम भी हुए ना। बिल्कुल। और क्या, इसी तरह से जो अहले एग्जैक्टली इसी तरह से जो अहलुल हदीस नेम से उन्होंने जो ये एक फॉर्मूला बनाया है कि दीन में कोई भी नया काम, whatever you are going to perform and initiate in deen in Islam is called bidat, is called innovation, and there are no types of bidat, there is no good bidat, there is no bad innovation. आपके वहाँ bidat की एक ही definition है, वो है जहन्नम ले जाना। नया काम कोई भी हो, अच्छा हो बुरा हो, that is bidat, और वो हर bidat करने वाला जहन्नमी है। तो अब आप ये बताएं कि अगर आप लोग यही कवानीन कानून पे कायम रहेंगे, तो कौन ऐसा अहले हदीस खुद को कहने वाला जहन्नमी होने से बचेगा? बिल्कुल। और क्या, तो इस हिसाब से तो फिर कोई भी नहीं बच रहा अल्लाह के बंदा। नहीं, अहले हदीस नहीं बचेंगे, तो कोई भी नहीं बच रहा अहले हदीस नहीं बचेगा। कैसे? सुनो कैसे जी, बताइए। क्योंकि अब और जो जितने भी फिरके बताए ना जी, तो उनका किसी का भी नाम नहीं है असल में जी, ठीक है। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये बताया ही नहीं कि तुम बरेल भी हो जाना, तुम देवबंदी हो जाना, तुम शिया हो जाना, या तुम सुन्नी हो जाना जी। अब ये तो अपने अपनी सोच है। अब जैसे आपने अभी बताया ना कि हमारे यहाँ दो हैं जी, हम बिदत हसना भी कहते हैं जी और बिदत सैया भी कहते हैं जी, ठीक है। मगर
अहले हदीसों के अंदर ये चीज है ही नहीं कोई बात को। अब जी। ये जो बिदत हसना और ये बिदत सैयद जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं बताई ना, बात यहाँ आई थी ना ही किसी सहाबा ने बताई। अच्छा ठीक है ना जी। ये है सारा मसला। तो किसी सहाबी ने बताई हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस हो तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई वाकई आप सही कह रहे हैं फिर। अच्छा ठीक है ना। असल में बात इमाम की है तो वो उनकी अपनी राय है, अब वो आप माने या ना माने वो आपकी मर्जी है ना, ये भी तो बात है। अगर आप उनकी बात मानते हैं इमाम के कौल की तो आप मान सकते हैं, हम तो ये नहीं कह रहे कि भाई आप ना माने। ठीक है। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हदीस नहीं है या सहाबा का कोई कौल नहीं है तो इसमें थोड़ी सी वो है इख्तलाफी। देखिए हदीस शरीफ है मुस्नद अहमद की जिल्द 2 हदीस नंबर 1035। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, मुसलमान जिस चीज को अच्छा जाने वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छी है और मुसलमान जिस चीज को बुरा जाने वो अल्लाह के नजदीक भी बुरी है। दूसरी चीज ये है कि हजरत इमाम अबू नुएम अस्फहानी अल मुतवफा 430 हिजरी, आप लिखते हैं बिदअत की 2 किस्में हैं, बिदअत हसना और बिदअत सहिया। जो बिदत सुन्नत की तामील करे वो बिदत हसना अच्छी बिदत है और जो सुन्नत से मुतसादीन खिलाफ हो वो बिदत सहिया यानी के बुरी बिदत है। और आप आगे फरमाते हैं कि और सबूत के तौर पर रमजान की रातों में तरावी की जमात शुरू की हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रली अल्लाह ताला अनु ने और फरमाया कितनी अच्छी बिदत है यानी बिदत हसना। तो ये तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनहु से भी साबित है कि उन्होंने खुद फरमाया कि कितनी अच्छी बिदत है और ये हिलतुल औलिया सफा 121 रकम 13315 में दर्ज है। अच्छा तो इस बिदत पे हजरत उमर ने भी अमल करा क्या? हजरत उमर ने फरमाया ना, यहाँ अमल करने की बात नहीं, यहाँ बिदत की अभी इकसाम की बात चल रही। अब सुनिए मेरी बात। हाँ। क्या हजरत उमर चाहेंगे कि मतलब उनके साथ ही जहन्नम में जाते? नहीं बिल्कुल नहीं। वो कोई बिदत करते ना तो हजरत उमर को चाहिए था फिर तो वो भी साथ में पढ़ लेते, उन्होंने क्यों नहीं पढ़ी फिर? क्या पढ़ लेते साथ में? यानी जो तरावी की नमाज है हजरत उमर से साबित है कि उन्होंने भी पढ़ी थी? पढ़ी थी जी, उन्होंने पढ़ी थी। पढ़ी थी ना? नहीं पढ़ी थी। नहीं पढ़ी थी हजरत उमर ने? नहीं पढ़ी थी। नहीं, वो अलग ही आके पढ़ते थे, वो भी रात को पढ़ते थे। रात को पढ़ते जो नबी थे, हाँ, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। हाँ। चलिए हदीस शरीफ पेश कर दीजिए इसके ताल्लुक से। जी मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, मुझे अभी याद नहीं है ना। अच्छा चलिए, जब याद आ जाए तो हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि हजरत इमाम गजाली अल मुतवफा 505 हिजरी, आप फरमाते हैं ये कहना कि फुला चीज बिदत है क्योंकि सहाबा ने नहीं, तो जान दो कि जरूरी नहीं हर जायज वाली चीज सहाबा से साबित हो, बुरी तो वो बिदत है जो किसी सुन्नत के खिलाफ हो। यानी मालूम हुआ कि जो सवाब वाले अमल काम हैं, जो मुस्तहब चीज हैं, अगर बजाहिर वो सहाबा से साबित नहीं या उन्होंने ना किया तो उसे बिदत कहना सिवाय जाहिलियत के और कुछ नहीं है। ये इलियाहुल उलूम जिल्द 2 सफा 374 पे दर्ज है ना जी। और दूसरी चीज ये है कि अभी हम लोग फिर वहीं पे आएंगे। कहाँ? कहाँ? चलिए बुखारी शरीफ की एक हदीस शरीफ और पेश कर देता हूँ आपको। इब्ने शुएब अरवा बिन जुबैर अब्दुल रहमान बिन अब्दुल कारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ रमजान की एक रात में मस्जिद की तरफ निकला तो लोग मुतफरिक थे, एक आदमी तन्हा नमाज पढ़ रहा था और एक आदि गिरोह के साथ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे ख्याल में इन्हें एक गारी के पीछे जमा कर दिया जाए तो अच्छा हो, पर पास हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे सबको जमा कर दिया गया। फिर मैं एक दूसरी रात को उनके साथ निकला और लोग अपने गारी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये अच्छी बिदत है क्योंकि रात का वो हिस्सा जिसमें वो सो जाते हैं उससे बेहतर है जिसमें वो क़याम करते हैं। बुखारी शरीफ किताब उस्सलात बाब फजल मिन कयाम रमजान हदीस नंबर 2010। तो अच्छा, उसमें अच्छी बिदत का जिक्र है बुखारी शरीफ में? जी, 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 जी। ठीक
क्योंकि इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा जी, पढ़िएगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अभी इन सबको चलिए छोड़ देते हैं। हमने तो आपको बताया, देखिए, इमाम के कॉल से भी और रसूलुल्लाह की हदीस से भी और सहाबा के कॉल से भी अकवास भी बताया बिदअत के इक़साम के बारे में। अब आप अभी भी अगर इस बात पे कायम हैं कि बिदअत की कोई इक़साम नहीं है, बिदअत एक ही है और वो जहन्नम ले जाती है, तो आप खुद को अहले हदीस कह के जहन्नम जाने से कैसे बचे, ये बताइए, कैसे बचेंगे ये बताइए। मैं बताता हूँ। आपने जो बिदत के बारे में बताया ना, कयामत जब तक आएगी पता नहीं किस कौन कौन सी बातें जो है ना दीन में दाखिल होंगी, ठीक है ना, ये तो आप भी मानते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन को मुकम्मल कर दिया था, ये मानते हो नहीं आप? हाँ, ये बताइए। हाँ, है ना, सहाबा से कसम ली, सहाबा से ऐद लिया कि बताओ मैंने दीन तुम्हारे ने मुकम्मल कर दिया नहीं करा, तो सहाबा ने क्या कहा? जी बिल्कुल कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने ऊपर हाथ उठा के क्या कहा? अल्लाह को भी गवाह कर दिया, तो जी दीन मुकम्मल हो गया। अब ये बताइए कि हमारे नबी ने दीन के अंदर क्या क्या छुपाया है? हमारे नबी ने कुछ नहीं छुपाया, कुछ जो उम्मत के लिए तो उम्मत के लिए जरूरी है वो सब जाहिर कर दिया। देखो हमें चप्पल पहनने का तरीका बता दिया जी, खाने का तरीका बता दिया, निकाह करने का तरीका बता दिया, ठीक है, कब्रिस्तान आने जाने का तरीका बता दिया, कब्र में मुर्दे को कैसे लिटाना है, कैसे कब्र में लिटाना है, क्या करना है, कैसे मट्टी डालनी है, वो सारे तरीके बता दिए होंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि कोई तरीका अल्लाह के नबी ने नहीं छुपाया। अब ये बताइए कि दीन में अब जब आप कोई नई बात दाखिल करते हैं ना, तो आप फिर ये साबित करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज तो छुपाई ली थी, ये अब हम दाखिल कर देते हैं, तो माज अल्लाह ये है। फिर अगर कोई दीन में कोई नया काम आता है ना, तो मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं किसी और की नहीं, मैं ये समझता हूँ कि आप ये साबित करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम छुपा लिया था हमसे जो आज हमें पता लगा, ठीक है, मैं अपनी राय बता रहा हूँ, मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं खुद अपनी राय बता रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ, ठीक है, ठीक है ना, उस हदीस के मुताबिक कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन को मुकम्मल कर दिया तो हम फिर कौन होते हैं दीन में नई बात घुसने से, ठीक है, यानी हम दीन में हम क्यों नई बात को डालें, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो फरमाया कि कितनी अच्छी बिदत है, तो उनका ये फरमान सही था कि गलत था? बिदत के बारे में तो नहीं पता मुझे कि उन्होंने बिदत कहा था नहीं कहा। हाँ, कहा था, हदीस शरीफ है बुखारी की। अच्छा, तो मैं एक बार इसको पढ़ूंगा इंशाल्लाह, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको शराब भी बता दी, आपसे मजा आ रहा है। हाँ इंशाल्लाह, और भी मजा आएगा, हमने अच्छा लग रहा है बात करने में, ऐसी बात तो नहीं है, तो मुझे भी सीखने को मिल रहा है। अब मसला ये है कि जब हमारे करीम आका नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम ताजदार हरम सैयाह मकान सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि आज मेरा दीन मुकम्मल हो गया, जी। तो इस फरमान से पहले हुजूर ने ये भी बताया कि जन्नती जमात होगी वो जो मेरे और सहाबा के तरीके पे होगी, मा अना अलैहि व असहाबिही। तो यानी कि हुजूर ने हमको ये भी बताया कि जो मैं अपना दीन मुकम्मल कर रहा हूँ, उस मुकम्मल दीन के अंदर मैं ये भी एक उसूल बता रहा हूँ कि जो मेरे तरीके और सहाबा के तरीके पे होगी। अब मैं आपसे एक सवाल रख करना चाहता हूँ, इजाजत है? हाँ बिल्कुल। और जो सहाबा का तरीका था, क्या वो हुजूर के तरीके से हटके था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं था, करेक्ट, हटके नहीं था, कटके बिल्कुल। तो हुजूर ने ये क्यों फरमाया कि जन्नती जमात वो होगी जो मेरे और सहाबा के तरीके पे होगी? हुजूर ये फरमा सकते थे जो मेरे या सहाबा के तरीके पे होगी, या ये फरमा सकते थे जो सिर्फ मेरे तरीके पे होगी, या हुजूर ये भी फरमा सकते थे जो सहाबा के तरीके पे होगी। हुजूर ने ये फरमाया जो मेरे और सहाबा के तरीके पे होगी। सहाबा को यहाँ पर जरूरी मैंडेटरी क्यों करा? क्योंकि सहाबा जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत ले चुके थे ना, बेशक वो उनसे हटके काम नहीं कर सकते, बेशक सहाबा जो है, बेशक इस वजह से, बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पक्का
भरोसा था ना अपने साधु पे, बेशक मेरे साधु बेशक, तो ये गलत नहीं चल सकते, ना ही कोई गलत राय बता सकते, बेशक मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को जी। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब फरमाया कि कितनी अच्छी बिदत है, तो यानी कि अब आपने खुद इस चीज को भी कबूल भी करा कि हुजूर जानते थे सहाबा हट नहीं सकते, गलत नहीं हो सकते, तो सहाबा ने जो फरमाया फिर उसको मानते क्यों नहीं आप? बिदत की दो इकसाम क्यों नहीं मानते? इंशाल्लाह मैं इस पर जो ना तहकीक करूँ थोड़ी बहुत, है ना। अच्छा, ये जो आप जो बिदत के बारे में जो बता रहे हैं कि हजरत उमर ने कहा था जी, जी। अच्छा चलिए दूसरा सवाल, एक देखिए अहले हदीस के ताल्लुक से आप मुझे जवाब नहीं दे पाए, ठीक है जी। दूसरा सवाल मैं ये कायम कर रहा हूँ आपसे, ये बहुत कॉमन सवाल है, हम लोग जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इस्मे मुबारक लेते हैं या लिखते हैं, तो हम लोग या कोई हमारे सामने नाम लेता है तो हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ जो हम और आप पढ़ते हैं, ये किस सहाबी रसूल ने या अल्लाह के नबी ने कब हुक्म दिया कि हमारे नाम को सुनने पढ़ने लिखने के बाद ये दुरूद शरीफ पढ़ना लिखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? असल में दुरूद को कहा है, ये नहीं कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करेक्ट। और दुरूद शरीफ कौन सा है? जब भी मेरे नाम आए दुरूद पढ़ना, तो दुरूद पढ़ना है, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, ये दुरूद शरीफ हुजूर ने पढ़ने का हुक्म दिया जो अभी आपने कहा जी। कौन सी हदीस में हुक्म दिया? ये तो कई है, इसमें सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, एक हदीस सही मुस्लिम में भी, सही बुखारी में भी, एक हदीस पढ़ दीजिए। अब मुझे यार, मुझे जो ना भाई, चलिए कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप नंबर से खोल लूँ आपका ये नंबर, मैं इंशाल्लाह दे दे करूँगा ना, कोई मसला नहीं, इस पे हम बात नहीं करते हैं, हम इस पे बात करते हैं कि चलिए आपने जैसे कहा हम मान लेते हैं कि हदीस में ये चीज हुजूर ने बताई, लेकिन उसके बाद भी हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पढ़ते हैं? हाँ, तो इसको जो है ना, अब ये तो उलमाओं ने ये इसको कहते हैं कि भाई ये भी दुरूद है, इतना तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ना तो ये भी दुरूद है। नहीं, हुजूर ने हुक्म दिया पढ़ने का, ये नहीं, नहीं हुजूर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर बिदत हो गई, मेरी जान तक, मेरी नहीं हुजूर ने नहीं, मेरी जानकारी जी, जी, आपकी जानकारी बिल्कुल तो सही है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सही है आपकी जानकारी है, तो फिर ये बिदत हो जाएगी। हाँ ये बात सही। तो इमरान भाई, इमरान भाई आपकी उम्र क्या है? मेरी तकरीबन 45 साल की तो होगी। 45 साल जी। इमरान भाई हमारी आपसे एक बहुत मौजवाना गुजारिश है, आप बहुत सुलझे हुए शख्स मिले और वाकई में आपसे बात करके बड़ी लज्जत आई जी। ना चीख चिल्लाहट हुई, ना अपनी बात पे अड़ियल घोड़े की तरह आप अड़े रहे, जबकि नहीं नहीं आजकल लोगों की टेंडेंसी पता है क्या हो गई है, अना जी, बिल्कुल अना इंसान की इतनी ऊपर चली गई है कि वो अपने आगे किसी की सुनता ही नहीं है, बिल्कुल और क्या है ना है। तो इमरान भाई मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ब जल, मैंने आपको जो जो अभी हवाले दिए हैं मैं आपको सब व्हाट्सएप पे भेजूंगा, आप खुद भी पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आप अपने किसी जो आपके आलिम साहब हो आप उनकी मदद भी लीजिएगा उसको समझने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है इंशाल्लाह। और जब आप समझ जाइएगा उसके बाद फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज करिएगा, हम लोग फिर इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगु करेंगे इंशाल्लाह। नहीं ये जो आपने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो बताया ना कि उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी बिदत है, इसके बारे में तो मैं जरूर पूछूंगा, जरूर ठीक है ना, क्योंकि जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अच्छी बिदत कह दिया ना तो जाहिर सी बात है फिर अच्छी बिदत हो गई, हो गई है ना, क्योंकि एक खलीफा कह रहे हैं भाई जी। उनकी बात को कौन ठुकरा देगा? अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, अगर आपकी तरह हर आदमी बात को समझने वाला और कम से कम ये कहने वाला एक मर्तबा हम देखेंगे और वाकई ऐसी चीज है तो हम इस चीज को मानेंगे, ये कहने वाला अगर हर शख्स बन जाए तो इख्तिलाफ खत्म हो जाए, बिल्कुल और की हकीकत में यही है ना। अब जैसे हम बरेलवी हैं, अब हमारे वहाँ क्या होता है कि आपने देखा होगा आजकल कि ईद मिलादुन नबी जो निकलता है उसमें डीजे लेके लोग निकलते हैं, तो हम इसके सख्त खिलाफ हैं, मुखालफत में हैं और हम इसकी कहीं भी ताईद नहीं करते, हमारे उलमा भी इसकी ताईद नहीं करते, तो अब अगर मानने वाली है अब अगर हम अड़ जाएं इमरान भाई कि नहीं हमारे वहाँ ये हो रहा है तो सही होता है, तो इससे बड़ी फिर बेवकूफी और जहालत क्या हो? सही बात है ना,
चलिए इमरान भाई, आपसे बात करके हमें वाकई बहुत खुशी हुई, और हम आपको भी सारे हवाले भेजेंगे, आप एक मरतबा उनको रिवाइज कर लीजिए, और फिर जब आपका वक्त हो, एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, आप मुझे एक मैसेज करिएगा, देन इंशाल्लाह अगेन वी विल हैव अ टेलीफोनिक डिस्कशन ऑन द सेम टॉपिक, राइट? इंशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।